जो इंसान अपनी हर छोटी छोटी सी बात आपको बता देता है, अपना हर राज आपको बता देता है, तो समझ लेना कि वो इंसान आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता है। खुश रहने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उम्र बस बूढ़ा कर देती है, सबक तो जिंदगी देती है। बचपन गुजर जाने के बाद ये जिंदगी बहुत दौड़ाती है। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस आप खुद को हालातों से हारने मत देना। बदन मिट्टी का है और सांसें उधार हैं, घमंड हो भी तो किस बात का, यहाँ हम सब के रायदार हैं। इस कलयुग में जिसकी जितनी शर्म खो रही है उसकी उतनी ही चर्चा हो रही है, और जो जितना नीचे गिर रहा है दुनिया में उतना ऊंचा उठ रहा है। खुश रहना है तो अपने ज़िंदगी के फैसले अपने परिस्थिति को देख कर ले। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफ तो सिर्फ मरने के बाद ही हुआ करती है। यह वक्त सब कुछ बदल देता है, आदतें भी और ख्वाहिशें भी। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, अपनी तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जब व्यक्ति धन दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट कर आ जाते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। शतरंज सी जिंदगी में हर कोई मोहरा है, इंसान तो एक है मगर किरदार दोहरा है। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि ये सब आपके पास वापस लौट कर आने वाला है। याद रखना, हर कोई खैरियत पूछने वाला आपके खैरियत नहीं चाहता। कभी भी जिंदगी में लोगों का पीछा ना करें, आप अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिन्हें भी आपकी ज़िंदगी में आना होगा वो अपने आप आ जाएंगे। बिखरा रहना भी एक आनंद है। कुछ चीज़ें इसलिए भी सुंदर है क्योंकि वो समेटी नहीं जा सकती। जिसे नदी और आकाश होना चाहते हो तो अपनी तारीफ सुनिए, और अगर बेहतर बनना चाहते हो तो अपनी बुराई सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर आपसे कोई जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो नहीं कर पाए। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, फिर भी हम इसे जान कर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। अपनी वाणी को वीणा बनाए, वान ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर वान बनेगा तो जीवन में महाभारत होगी। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ती है तो वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने दिलों को दुखी करते हैं। आप चाहे 100 काम ठीक करो, पर एक गलती की आप तो आपका सब पानी में चला जाता है। किसी आदमी को गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। लोग आप में आपको नहीं खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान
आप में बुराई ही देखेगा। जीवन में कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो फिर पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो कि उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि हर किसी की बात को आप अपने ऊपर लेना बंद कर दो। जरूरत में वो ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। ज़िंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मन माना करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश है।